नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत और 11 बजे की बड़ी खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ सलोनी श्रीवास्तव अजमेरा। मेरे साथ मेरी सहयोगी शिखा शर्मा भी आपको अहम जानकारियां इस बुलेटिन में देंगी, लेकिन शुरुआत अहम खबर से कर रहे हैं, कोलकाता से कर रहे हैं, जहां जूनियर डॉक्टर्स का प्रदर्शन जारी है। स्वास्थ्य महकमे के अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं ये जूनियर डॉक्टर्स और स्वास्थ्य भवन तक मार्च निकालने का इनका कार्यक्रम है। ये डॉक्टर स्वास्थ्य भवन तक मार्च निकालेंगे, स्वास्थ्य विभाग के जो ऑफिसर हैं उन पर कड़ी कार्रवाई की मांग ये कर रहे हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और डॉक्टर्स की हड़ताल जो हो रही है वो लगातार जारी है और इन जूनियर डॉक्टर्स के रुख में जरा भी नरमी देखी नहीं जा रही है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि जो डॉक्टर्स हड़ताल कर रहे हैं वो वापस अपने काम पर जाएं, लेकिन अभी भी वो उनका प्रदर्शन जारी है। आपको बता दें कि ये जो डॉक्टर्स हैं ये बंगाल सरकार की जो हेल्थ विभाग के अधिकारी हैं उन पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। एक रिपोर्ट इसी से जुड़ी आपको दिखाते हैं। कोलकाता ग्रेट में इंसाफ की जंग, झुकने के मूड में नहीं जूनियर डॉक्टर। आज भी कोलकाता में प्रदर्शन जारी। डॉक्टरों को सुप्रीम कोर्ट ने दी है चेतावनी। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में दरिंदगी की शिकार बनी अभिया के लिए इंसाफ की जंग जारी है। सीबीआई जहां इस मामले में पुख्ता सबूत जमा कर रही है, तो इंसाफ के लिए डॉक्टर्स की भी हड़ताल जारी है। लेकिन डॉक्टरों की हड़ताल को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट ने दखल दिया है। कोर्ट ने बंगाल सरकार की अपील पर डॉक्टरों से काम पर लौटने को कहा है। दरअसल सोमवार को इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान एक तरफ जहां कोलकाता पुलिस सवालों के कटघरे में खड़ी दिखी, तो वहीं कोर्ट ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टरों के लिए भी निर्देश जारी किए हैं। कोर्ट ने कहा है कि मंगलवार शाम 5 बजे तक काम पर लौटे प्रदर्शनकारी डॉक्टर, अगर जूनियर डॉक्टर काम पर नहीं लौटे तो कार्रवाई के लिए जिम्मेदार। कोर्ट ने बंगाल पुलिस की शुरुआती जांच को लेकर भी तीखे सवाल पूछे। पीड़िता के शव के पोस्टमार्टम की प्रक्रिया को लेकर संदेह जाहिर किया। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट लेडी डॉक्टर को इंसाफ दिलाने के लिए सख्त है, तो दूसरी तरफ इंसाफ के लिए प्रदर्शन कर रहे डॉक्टरों की जिद को लेकर भी सख्त रवैया दिख रहा है। लेकिन डॉक्टर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी काम पर लौटते हुए नहीं दिख रहे हैं। कोलकाता में जारी डॉक्टर्स के प्रदर्शन की ताजा तस्वीरें इसकी गवाह है। प्रदर्शनकारी डॉक्टर्स की मांग है कि बंगाल सरकार के हेल्थ डिपार्टमेंट के बड़े अफसरों को हटाया जाए। स्वास्थ्य सचिव और स्वास्थ्य शिक्षा निदेशक अपने पद से इस्तीफा दें। अपनी मांगों को लेकर हड़ताली डॉक्टर स्वास्थ्य भवन तक एक रैली भी निकालेंगे। आपको बता दें कि जूनियर डॉक्टर करीब एक महीने से कामकाज बंद कर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन बंगाल सरकार के एक्शन न लेने के आश्वासन के बाद सुप्रीम कोर्ट ने हड़ताल खत्म करने का निर्देश दिया है। लेकिन इंसाफ की जंग में अभी डॉक्टर झुकने के मूड में नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो विरोध प्रदर्शन अभी भी लगातार जारी और इस बीच कटघरे में है ममता सरकार, क्योंकि डॉक्टर्स मर्डर की जांच को लेकर अब लीपा पोती क्यों की गई है ये प्रश्न पूछा जा रहा है, ये सवाल पूछा जा रहा है। पोस्टमार्टम में भी मानकों का ध्यान नहीं रखा गया, मानक प्रक्रिया का पालन क्यों नहीं किया गया ये भी पूछा जा रहा है बंगाल सरकार से। और जूनियर डॉक्टर्स की नीयत पर संदेह क्योंकि जूनियर डॉक्टर लगातार इसको लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि उनके लिए माकूल इंतजाम होने चाहिए, लेकिन संदेह क्यों जाहिर किया जा रहा है, क्यों उनकी सिक्योरिटी, उनके जो कंसर्न
कंसर्न से उसे आंसर नहीं किया जा रहा है। डॉक्टर्स को क्यों नहीं समझ पाई सरकार, क्योंकि डॉक्टर्स अगर पूरे समय सेवा देते हैं, ख्याल रखते हैं, तो वो कम से कम सुरक्षा तो डिजर्व करते ही हैं। संदीप घोष को बचाने के आरोप भी लगे हैं, क्योंकि तुरंत ही संदीप घोष की प्रतिनियुक्ति कर दी गई, उन्होंने इधर इस्तीफा दिया उधर नियुक्ति। ऐसी जल्दबाजी क्या थी, ऐसा क्यों इतना जल्दी करने की कोशिश हो रही थी? वही करप्शन के आरोपों की जांच पहले क्यों नहीं की गई? जब ये पूरा मामला खुलता है, संदीप घोष पर प्रश्न उठते हैं, उसके बाद करप्शन की जांच की जाती है, पहले इस पर ध्यान क्यों नहीं दिया गया? 14 से 15 अगस्त की रात में तोड़फोड़ जो हुई, जिस तरह से भीड़ अंदर घुसती है, वो एरिया जहां पर उस घटना को अंजाम दिया गया था उसको भी नुकसान पहुंचाती है, उस पर क्यों लचर रवैया रखा गया, क्यों लापरवाही की गई, क्यों एक्शन नहीं लिया गया? जांच में लापरवाही करने वालों पर भी यहां एक्शन नहीं हुआ, इसको भी अनदेखा कर दिया गया, क्यों ऐसा किया गया, ये प्रश्न बन रहे हैं। और इसीलिए ममता सरकार कटघरे में है कि कुछ तो है जो छुपाने की कोशिश की जा रही है, और यही वजह है कि लीपा पोती इस मामले में, हिला हवाली इस मामले में लगातार देखने को मिली और कोर्ट से फटकार भी सुननी पड़ी है ममता सरकार को। जब से सत्ता में आए थे लगातार यही काम करते थे, व्यापारियों को लूटते थे, बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करते थे, यही समाजवादी पार्टी की वास्तविक पहचान है। और इसी बीच उत्तर प्रदेश के भदोही में समाजवादी पार्टी के विधायक जाहिद बेग के घर पर नाबालिग लड़की का शव पंखे से लटका हुआ मिला है। आपको बता दें कि लड़की जो है उनके घर पर काम किया करती थी और भदोही की ही रहने वाली ये नाबालिग लड़की बताई जा रही है, जो सबसे फर्स्ट फ्लोर था यानी कि सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर जो कमरा बना हुआ था उस पे पंखे से फंदे पर लटकता शव बरामद हुआ है। कमरा अंदर से बंद था। तो आपको बता दें उत्तर प्रदेश के भदोही से समाजवादी पार्टी के विधायक जाहिद बेग के आवाज पर ये नाबालिग लड़की का शव पंखे से लटकता बरामद हुआ है। युवती विधायक के आवास पर कई साल से घरेलू कामकाज करती थी। मृतक लड़की भदोही शहर के काशीराम आवास कॉलोनी की रहने वाली बताई जा रही है। और पुलिस के मुताबिक, आपको बता दें कि मकान के सबसे ऊपर के फ्लोर पर बने कमरे में पंखे से फंदे पर लटकता शव बरामद हुआ है। यहाँ के जो लोकल एमएलए हैं उनके घर में, उनके यहाँ जो एक लड़की 17 वर्षीय बालिका काम करती थी 6-7 साल से, और आज ऐसी सूचना मिली कि छत पर एक कमरे में उसने फांसी लगा ली है। तो सूचना पाते ही जो है पुलिस और फॉरेंसिक की टीम वहां पे पहुंची थी, शव को जो है कब्जे में लिया गया, उच्च अधिकारियों ने भी मौके का मुआयना किया और पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है, हर बिंदु पे जांच की जा रही है। एक और समाजवादी पार्टी का किरदार जिस पर शक का घेरा बढ़ रहा है, सवाल खड़े हो रहे हैं। आपको याद होगा अयोध्या का मामला जिसमें मोहित खान का नाम सामने आया था, उसके बाद कन्नौज से नवाब का नाम सामने आता है, और अब ये एक और मामला मऊ से भी मामला सामने आ चुका है। प्रश्न ये खड़े हो रहे हैं कि बार बार इन अपराधों का सपा कनेक्शन क्यों सामने आ रहा है। रिपोर्ट देखिए। एक दो नहीं पूरे तीन, सपा में फिर रेप सीन, नाम अनेक कुकर में। जी हां, सपा नेताओं के कुकर्मों पर पर्दा डालते डालते अब बेशक अखिलेश भी परेशान हो गए होंगे। एक से पीछा छूटता नहीं कि सपा के दूसरे रेपिस्ट नेताओं के पाप सामने आ जाते हैं। अभी मोहित खान और नवाब सिंह यादव जैसे सपा नेताओं के दाग सपा के दामन से धुले भी नहीं कि अब मऊ में सपा नेता वीरेंद्र बहादुर पाल रेप के गंभीर आरोपों में घिर गए हैं। ऐसा माहौल बन गया है जैसे सपा में कुकर्मों का कंपटीशन चल रहा हो, और सपा के नेता इस कंपटीशन में एक दूसरे को पीछे छोड़ने पर आमादा हैं।